नासिक से संदीप द्विवेदी। हम खड़े हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्याज मंडी, ये महाराष्ट्र की बोल सकते और एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी। देख सकते हैं इधर से पूरे विश्व में प्याज की सप्लाई की जाती है, और प्याज व्यापारी और प्याज किसानों की क्या हालत है इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं सिन्नर से आया हूँ। प्याज के क्या रेट है इस टाइम पर? प्याज अभी बिक रहा है 1500 रुपये क्विंटल। और केंद्र सरकार ने जो प्याज के आयात निर्यात पे बंदी लगाई थी इसके बारे में आपका क्या कहना? अभी वो तो उनने जो निर्णय लिया है उसकी वजह से हमारा पूरा नुकसान हो गया है। जो 2-3 हज़ार रुपये इस टाइम को प्याज बिकना चाहिए था वो बिक रहा है 1500 रुपये, और उसको क्विंटल को जो खेती में खर्चा आता है 1900 रुपये आता है और प्याज बिक रहा है 1500 रुपये। मतलब क्विंटल के पीछे 400 रुपये अभी घाटा हो रहा है, मुनाफा तो नहीं हो रहा है, मतलब 400 रुपये उसमें हमको घाटा आ रहा है। और केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो तो सब कुछ घाटे में जा रहा है हमारा। सब निर्यात पूरा खुला रखो, ये बात उनका है। सोयाबीन का यही हाल है, टमाटर का यही हाल है, प्याज का है, हां सब का है। सोयाबीन में इसमें सब में बाजार डाउन है, उनका सोयाबीन का एक्सपोर्ट मंगा रहे, इंपोर्ट कर रहे और प्याज का एक्सपोर्ट बंद है। किसानों का ये कहना है कि किसान को नासिक से कितनी, नासिक से या नासिक मंडी से कितनी प्याज का निर्यात? नासिक पूरे ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से काउंट किया जाए तो 70-80% माल नासिक डिस्ट्रिक्ट से ही जाता है, महाराष्ट्र से। थैंक यू थैंक यू।